का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की ब्लॉग में मैं नहीं हूँ। अब मैं कैसी लग रही हूँ जरा जल्दी बताओ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। तो आज संभावना जहाँ जा रही है उसके लिए मेरे को संभावना पे बहुत मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि संभावना ऐसी जगह पे जा रही है चीफ गेस्ट चीफ जज 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 या कंटेस्टेंट। मुझे जज नहीं किया जाएगा, मैं लोगों को जज करूंगी या फिर लाइटें लगाने। तो ये है इंडिया डांस वीक जहाँ तक कि मैं गलत नहीं हूँ और बहुत ही मशहूर और नॉन कोरियोग्राफर मिस्टर संदीप सोपारकर, उनका सब लोगों ने सुना होगा। 6 सीजन है और सबसे अच्छी बात ये कि ये आज जो हो रहा है इसके पीछे एक रीजन है। दिस इज डांस फॉर अ कॉज। पुलवामा अटैक में जितने हमारे जवान शहीद हुए थे उनके लिए फंड रेजिंग है और ऐसे शो का हिस्सा कौन नहीं बनना चाहेगा। ऐसे शो में संभावना अगर जज है तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और बेबी मुझे भी इनफैक्ट बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी है कि संदीप सोपारकर ने पर्सनली मुझे इसके लिए कॉल किया और इस शो के लिए इन्वाइट किया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो टू जज दिस कॉम्पिटिशन, और मुझे बहुत खुशी होगी। दो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी जज बन सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत डांस की नॉलेज रखती हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वेरी प्रेस्टिजियस नेम इन द इंडस्ट्री एंड वेरी रिस्पेक्टफुल नेम इन द इंडस्ट्री संदीप सोपारकर, ही हैज इनवाइटेड मी। और अविनाश को भी जब मालूम पड़ा तो अविनाश भी बहुत खुश हुआ है। आई एम तो सुपर डुपर हैप्पी है, मैं हर बात पे खुश होती हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ आज। बाकी रास्ते में बात करूंगी। हाँ। तो आप लोग तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? तैयार हो ना, आ जाओ। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं गाड़ी नहीं चला रही, आज फाइनली गाड़ी कोई और चलाएगा और मैं बैठूंगी। आपको तो मालूम है मैं गाड़ी खुद ही चलाती हूँ, या अविनाश चलाता है मैं चलाती हूँ, लेकिन आज जहाँ मैं जा रही हूँ मैं अकेली जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली ड्राइवर है साथ में। ड्राइवर अब मैंने बांध लिए अपने बाल, क्योंकि अब मैं वहीं जाके खोलूंगी, सारी अपने बालों की सेटिंग खराब हो जाती है। अब मैं एक दो इम्पोर्टेंट कॉल्स कर लूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों। शायद मैं आप लोगों को जगह बतानी भूल गई, यह है फिनिक्स मार्केट कोटला जो कि मॉल है और इस मॉल के अंदर है ये इवेंट। सो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग गेट नंबर 3 जहाँ पर आई थिंक आई विल गेट टू मीट संदीप सोपारकर। वेरी नाइस गाय, वेरी जेन्युइन गाय, मतलब मैं जब भी बात करती हूँ ना आई रियली रिस्पेक्ट हिम, दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप सब लोगों की तो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, आप प्यार कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, रिस्पेक्ट जो होती है ना बहुत कम लोगों की होती है, एंड संदीप इज वन ऑफ देम। आई फील फॉर्चुनेट कि मुझे संदीप ने इस शो के लिए बुलाया, इस इवेंट के लिए बुलाया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू संदीप। मुझे अभी मालूम पड़ा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, आई थिंक वी आर 5 मिनट्स अवे, तो मैं अब जल्दी से क्विकली अपनी लिपस्टिक लगाऊंगी, थोड़ी सी फेस पे ऑयल आ चुका है, तो थोड़ा मेकअप किया जाएगा, ज्यादा नहीं, कॉम्पैक्ट जो भी खत्म होने वाला है। अभी मालूम पड़ा है कि हम गेट नंबर 3 पे आए हैं और पता लगा है कि गेट नंबर 3 से नहीं, गेट नंबर 4 से एंट्री है। कितना बड़ा मॉल है भाई, ये तो काफी बड़ा निकला, मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रही थी, ज्यादा बड़ा निकला है। और ये आई है संदीप के इवेंट में, जैसे मैं जज कर रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि साथ में मेरे ये जज है इस इवेंट में। मेरी हिंदी एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन मैं जर्मनी में 20 साल रह चुकी हूँ और 3 साल पहले मैं वापस इंडिया आ गई। So, अभी तक शो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट मुझे जो इंट्रोड्यूस कराना है मैं अभी तक बात नहीं कर पाई हूँ। दिस इज संदीप, मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, एवरीबॉडी नोज हु संदीप इज, और मुझे ज्यादा नहीं बताना। डू यू वांट टू से समथिंग संदीप? मैं आपकी तारीफ में सब कुछ बोल चुकी हूँ। आई एम हियर फॉर हिम। आई वांट टू से द संभावना इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ आवर कंट्री एंड आई एम सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज दैट शी इज हियर फॉर आवर शो इंडिया डांस वीक डांस फॉर द कॉज। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। It's such an honest pleasure to thank have you so much. And having the best dancer standing right next to me, I feel humbled. Agar aapne inka dance dekh liya na, to uske baad aap kuch nahi bologe. I have seen your performance and I mean, it's just outstanding. I have no words. When it comes to Sandeep's performance, Sandeep as a person, mere paas na words thode kam pad jate hain. And main sirf dil se ye bolna chahti hu that I am here for Sandeep and I genuinely, I respect you dil se. Thank you so much. Thank and main milti rahungi, main beech beech mein Sandeep ko capture karti rahungi. These are my vlogs, Sandeep. Yeah, I know. I know about that. Who does not know about it? All right, nice seeing you. I'll see you. Hello, good to see
everybody. Actually, I'm not, but okay, you guys should be happy looking at me. Aishwarya, zyada abhi achanak se main camera Aishwarya pe le aayi, so she didn't know what to say. But hum log bahut saal pehle, like around 2007 mein hamari mulaqat hui thi, aur uske baad aaj mile hain. We have chilled together, we have laughed together. She was in fact one of my few friends that I had made in Bombay when I first moved in. So it's so good to see you again. Kitne saal ho gaye Aishwarya hame mile hue? 13 saal. 13 saal ke baad mil rahe hain hum log. So you everybody knows Aishwarya ko sab log jante hain, aur main jo nahi jinko pata, hum log ek hi gang tha jahan par hum log sab chill karte the. Bahut time hum logon ne spend kiya, and then of course we both got busy. We bonded over dogs, we bonded over animals. She still remembers my Coco. Tabhi Coco chota tha, 14 saal ka ho gaya. Abhi uski eyes mein hi problem ho gayi. He's like a bura aadmi. He's my lucky charm. Wo to dikh hi raha tha when he first got it. Chalo abhi milte hain abhi aur. That's Sushi, Sushant, everybody knows. Aur hum log kitne time ke baad mil rahe hain. Beech beech mein kabhi kabhi milte rahe hain. Wo kitni sundar lag rahi hai. What is this? Khud hi award ban ke aayi. Matlab ye tum jo ban ke aaye ho, film fair. इतने सारे लोगों में कोई तो अपना मिला. मैं और सुशी मिलते हैं ना, ज्यादा तो वो नहीं कर सकते हैं हम लोग, मतलब लोगों के सामने थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम लोग अकेले होते हैं तो हम लोग अपनी आई पे आ जाते हैं. कौन सा गाना गाऊंगे? कुछ भी गा दिया. खिड़की पे आऊं ना बाहर न जाऊं, कैसे मैं सारा दिन घर में बिताऊं, नजरे मिलाऊं तो मैं कैसे मिलाऊं. माय गॉड, दीवाने दीवाने तो दीवाने है. मेरा तुमने सुना कि नहीं गाना? मेरा इंटरनेशनल डेब्यू सुना कि नहीं तुमने? लोगों बाद में नाचेंगे उस गाने पे. लव इज लव. हिंदी में बोलना पड़ेगा कि इंग्लिश? हिंदी में ही बोलना पड़ेगा. तो जो मैम आपको सूट करे, आप जैसे आपको लगे कि आप बोल सकते हो वैसे बोलिएगा. ये भोला दिखता है नहीं, ये बड़ा हमारे इंटरव्यू करता है. अब ये मेरे ब्लॉग्स हैं, क्या करोगे तुम? जरा कैप्चर करो इस बंदे को. कंट्रोवर्सी करता है ये. अब मैं आई एम हियर टू एंजॉय माय सेल्फ एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मैं ना तब से खाती जा रही हूँ, सिर्फ खाती जा रही हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं कि सिर्फ खा ही रही हूँ. उर्मिला मातोंडकर भी चुनाव लड़ी रही हैं, और लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं जानती हैं, बोल नहीं पा रही हैं. आपने कभी उनको सुना और क्या सोचते हो? मैंने कहा ना कि किसी का एक अच्छा कदम, उसको अप्रिशिएट जरूर करो. आपको बोलना नहीं आता तो आप राजनीति अच्छी नहीं कर सकते. अरे आप बोल नहीं पाए पब्लिक के सामने तो लोग पब्लिक सपोर्ट कर, तो बोलने से सब कुछ होता है क्या? बोलते तो दुनिया रहती है. पॉलिटिशियन और करते क्या है? बोलते ही तो है, लेकिन करने वाला हो सकता है कि वो जेन्युइनली कुछ करना चाहती हो, तो हमें उसका वेट करना चाहिए और उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन कि वो कितना अच्छा बोल पा रही है या नहीं बोल पा रही है. आई लव उर्मिला मातोंडकर. थैंक यू वेरी मच. कविता कौशिक और हेलो हाय. मेरे ब्लॉग्स से देखे नहीं होंगे इनको, शायद पता भी नहीं कि मेरे ब्लॉग्स होते हैं, लेकिन मैं अब इनसे इंसिस्ट कराऊंगी कि ये सब्सक्राइब भी करें और मेरे ब्लॉग्स भी देखें. मेरे ब्लॉग्स पॉपुलर है कविता. अरे आप ही इतनी पॉपुलर हैं, आप जो करेंगी वो पॉपुलर होगा. मुझे ऐसा लगता ना हर चीज में तुम खिंचाई कर रही हो. नहीं अरे सच कह रही हूँ. ये इतनी सुंदर है कि मैं निशब्द हो जाती हूँ उनके सामने. तो ये है कविता जी, और अगर आपको इनका अभी तक ह्यूमर नहीं पता तो मुझे पता लग गया. मेरी 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 अनाउंसमेंट हो गई. प्लीज वेलकम द अल्टीमेट आइटम गर्ल ऑफ आवर कंट्री संभावना सेठ.
कर रहे हैं, हमें शर्म नहीं आती। अरे इनसे सीखना चाहिए क्या डांस का, इन लड़कों का क्या किया है ना। Share, comment, subscribe. My YouTube channel, which is Sabana Sage Entertainment.